नसरुल्लागंज में किसान कांग्रेस से जुड़े किसानों ने आंदोलन किया। इस आंदोलन में सैकड़ों किसानों ने मंडी प्रांगण में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का विरोध दर्ज कराया है। नसरुल्लागंज में किसान कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया। विशाल रैली के रूप में दुर्गा मंदिर चौराहा होते हुए तहसील पहुंचे, जहां पर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए शिवराज सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई और नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। किसान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष चंदर मीणा ने कहा कि अगर किसानों को उचित मुआवजा व बीमा राशि नहीं दी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कुछ विसंगतियाँ हुई हैं फसल बीमा को लेकर। 2019 के जो फसल बीमा मिलना था वो क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे थे जहां 200-300 रुपये मिले, कहीं मिला तो 500 मिला, कहीं 700 मिला, कहीं बिल्कुल नहीं मिला। उसको लेकर हम किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये तहसील का घेराव किया और आश्वासन मिला। हम लोगों को 7 दिन का समय दिया गया है, 7 दिन के बाद यदि हम लोगों की सुनवाई नहीं होती तो हमें बड़ा आंदोलन मतलब नहीं। उस संबंध में देखो विसंगतियाँ हैं, मैं मान रहा हूँ, स्वीकार कर रहे हैं हम लोगों ने इस संबंध में कलेक्टर साहब से बात करी है, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो है उनसे भी चर्चा करी है। उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस कहीं भी भाजपा को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही है। किसानों के मुद्दों पर एक बार फिर प्रदेश में राजनीति का दौर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, नसरुल्लागंज।